दो कलाकार और बाकी है, सुन करके जाए। और जैसा कि हमारे संचालक महोदय आपसे कह रहे हैं, आपकी व्यवस्था है आप बनाएंगे, और जैसी व्यवस्था आप करेंगे वैसे ही कलाकार बंधु दूसरे गांव में जाकर के कहेंगे। इसीलिए निवेदन करूंगी शांति से बैठ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भैया जी, किसी ने कहा है कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, ना हत्यारे राम, अरे अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे। सारी बातें बाबा साहब इंसान के कर्म पर निर्भर होती हैं। जैसा कि कलाकार बंधु बोल रहे थे कि साखी साखी क्या गाई, साखा गा दिया। लेकिन भैया जी, 32 साल आपको गाते गाते हो गए, आप इसी मंच से कह रहे हो, लेकिन बड़े अचंभे की बात कि आप पर साखी बोलना नहीं आया, क्योंकि इस बात को तो सभी लोग जानते हैं, विद्वानों का गांव है और जाति पंडित की। बाबा साहब पंडित तो वैसे बड़े विद्वान रहे, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कलाकार बंधु ज्ञान दे रहे हैं। और बड़ी अचंभे की बात, 32 साल आपको हो गई जिकड़ी गाते गाते, लेकिन बाबा साहब मेरी तो 4 पीढ़ी निकल गई जिकड़ी गाते गाते। लेकिन सुनिएगा बात जिकड़ी की, और अभी भी मैं उसी जगह पर अड़ी रहूंगी, बिना साखी के जिकड़ी गाना अधूरा होता है। सुनिएगा साखी और साखी के बोल भैया जी कैसे। सकल समा अरे हो और सकल समाज हो और सकल समाज रे करे जो
वो भव्य भवानी मोहे लगे हैं ननी के क्यों अरे भव्य भवानी मोहे हाँ लगे हैं ननी के क्या वो भव्य भवानी मोहे हाँ लगे हैं ननी के वो खटरस खटरस वो खटरस भोजन पड़ जाए ठीके वो खटरस भोजन पड़ जाए ठीके क्यों अरे कष्ट उठाते ओ भाई प्यारे क्या हो कष्ट उठाते हाँ भाई प्यारे वो बुरे हाँ बुरे बुरे लगे सुख साधन सारे वो ही दीनन के रखवारे तो अरब ही दीनन के रखवारे क्या अरब ही दीनन के रखवारे वो उनमें हाँ उनमें वो उनमें बस रहे प्राण हमारे उनमें ही बस रहे प्राण हमारे क्यों अरे ले ले हरि को नाम क्या अरे ले ले हरि को नाम हे वो अंत समय तेरे काम ने आवे और फिर वही सेटिंग और मैचिंग वाली साकी के बोल कह रहे हैं स्वर्ग नसैनी बहना जान और दामोदरी रसिया यानी भरतपुरी रसिया जवाब दे रहा है कह रहा है क्या नसैनी बिनी उभायली क्या अरे भाई अगर तीन दिन कार्यक्रम चलेगा तो वही प्रसंग चलेगा भैया जी आज अंजना ने अपनी सास केतमती से सारी बातें कही अपने ससुराल को छोड़ दिया ससुराल को छोड़ा पीहर में आ गई अपनी माँ अहिल्या को सारी बातें बता दी लेकिन बाबा साहब जब अहिल्या ने सुना मेरी बेटी के गर्भ में शिशु है सास ने दोषारोपण किया है कि मेरी बेटी के गर्भ में जो अंश है वो पवन का वंश नहीं है सजनों सारी बातों को अंजना की माँ अहिल्या ने सुना और बाबा साहब आज अहिल्या कह रही है कि सुन बेटी तुझे मैं अपने घर नहीं रोकूंगी तुझे मैं बिहार में नहीं रोकूंगी लेकिन तेरे लिए एक काम अवश्य करूंगी और भैया जी एक रहा दिखा रही है एक गैल बता रही है और सुनिए गैल क्या बताए भैया कैसे और तेरी और तेरी सास की बात को
कर्म है। चली जा तू हो के निर्भीक, चली जा तू हो के निर्भीक। क्यों मेरे गर्भवती को, गर्भवती को, गर्भवती को सुननी चाहिए वेद शास्त्र की गरजे हो बिजली चमके हो।
बादल गरजे, हाँ बिजली चमके, बरसात भारी, हाँ बरसात भारी, हाँ वो बरसात भारी, ओरन की तो है रही है बरसात, बरसात भारी, ओरन की तो है रही है बरसात। लेकिन हुआ क्या जी जी जी, ओ दिल में सो धक धक मेरे है।